लाइफ कभी रुकती नहीं। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएटली अलर्ट करो, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको कुछ समझ नहीं है। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता, तब मजा आएगा लाइफ में जीने। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है, बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा दें। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हूं, इसलिए सच को ज्यादा लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शन, नॉट द रीजन। तो आपका माइंड इसको सच मान ले। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड।